नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक गुप्ता। आज सुबह एक बहुत ही दुखद खबर निकाल करके सामने आ रही है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत का चर्चित भिखारी राजू था और बिहार के बितिया जिला का रहने वाला था। तिया रेलवे स्टेशन पे वो रहता था। डिजिटल भिखारी राजू जो है हर एक इंसान से पैसा भी नहीं मांगता था। वो देखता था कि हाँ ये मुझे पैसा दे सकते हैं और इनके पास पैसा है, उन्हीं के पास जाता था और ऐसा मतलब कि इस तरीके से लिपट जाता था कि जो इनके पास जाता था ना उनको भी मतलब कि देखने के बाद में जो उनको भी लगता था कि मेरे पास जितना हो उतना इनको देना चाहिए। लेकिन आज सुबह खबर निकल के आई कि आज डिजिटल भिखारी राजू आज हम लोग के बीच नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं है। अपना जीवन यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर ही करता था। डिजिटल भिखारी राजू का कोई नहीं था, वो अनाथ था। उनका माता पिता बीते दिन पहले जो है गुजर चुके हैं, लेकिन वो हमारे बिहार की डार्लिंग नेता कहे जाने वाले भूतपूर्व बिहार के सीएम लालू यादव को पापा जी बोलता था और रावड़ी देवी को माता बोलता था। इस तरीके से उनका कहानी था। लेकिन डिजिटल भिखारी राजू बेतिया रेलवे स्टेशन पर ही रहता था और डिजिटल भिखारी राजू को सभी लोग देखना पसंद करता था और जिस तरीके से वो बोलता था उनका कहने से कोई बोली जो है लोगों को दिल में और लोगों को जहन में डायरेक्टली जाता था कि डिजिटल भिखारी राजू जो है ऐसा इंसान है, डिजिटल भिखारी राजू को जो हम लोगों को मदद करना चाहिए। लेकिन जानकारी के मुताबिक बता दें कि डिजिटल भिखारी राजू का तबीयत जो है कुछ दिन पहले यानी कि एक सप्ताह पहले से जो है उनका तबीयत सही नहीं था। बाकी मेरे साथ थे तीन पत्रकार भाई लोग हैं। डिजिटल भिखारी राजू बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही बढ़िया इंसान थे, क्योंकि मैं भी उनसे हमेशा मिला करता था। जब भी अगर बेतिया में जाता था तो उनसे ज़रूर मिलता था, डिजिटल भिखारी राजू से। और मैं भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं एक वीडियो भी बनाया था लगभग 10-15 दिन पहले। मेरे चैनल पर वो वीडियो उपलब्ध है जो है कि उस समय वीडियो में बोले हुए थे डिजिटल भिखारी राजू कि मेरा तबीयत खराब चल रहा है भाई, कोई देखने वाला नहीं है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, और दावा भी दिखाए हुए थे, बहुत सारा दावा खरीद के रखे हुए थे। अब जरा सोचिए उनका कौन है देखने वाला, ना उनका माँ है ना उनका पिता है, उनको कौन देखेगा भाई। उनका तबीयत सही नहीं था, उनको देखने वाला कोई नहीं था। हालांकि इलाज उनका चल रहा था लेकिन इलाज के ही दौरान उन्होंने अपना अंतिम दम जो है तोड़ दिए, हम लोग के बीच नहीं रहे। डिजिटल भिखारी राजू अगर अनाथ नहीं होते तो शायद वो इस दुनिया को अभी नहीं छोड़ते। बिल्कुल जायज बात है, आपका कहना सही है, लेकिन उनका ना माता है ना पिता है। कारण यही है कि उनको देखने वाला कोई नहीं था, उनके परिवार में वो सिर्फ अकेले व्यक्ति थे। और जो है उस स्टेशन पे जहाँ पे वो रहते थे बेतिया के रेलवे स्टेशन पे, उसी स्टेशन से उनका जीवन यापन चलता था। लोग आते थे तो लोगों से वो 2 रुपया लेते थे और उसी से उनका खर्चा पानी चलता था, लेकिन सभी लोगों से पैसा नहीं लेते थे। उनका एक ये टैलेंट था अंदर में, वो देखते थे कि कौन ऐसा इंसान है जो मुझको पैसा दे सकता है। उन्हीं के पास जाते थे और पैसा उनसे मतलब जाते थे, बोलते भी नहीं थे और वह व्यक्ति जो है पैसा उनको दे देता था। इस तरह से उनका टैलेंट था। क्या कहिएगा डिजिटल भिखारी राजू के लिए? देखिए, डिजिटल भिखारी राजू एक ऐसे व्यक्ति थे, सबसे पहले तो मतलब जब से हम ये खबर सुने हैं मतलब क्या कहें, दिल अंदर से एकदम टूट चुका है और बस एक ही बात उनका याद आता है, मतलब एकदम जब लिपट जाते हैं ना किसी से भी, जब हम लोग उनके पास जाते थे एकदम लिपट जाते थे, एकदम पाजे में पकड़ लेते थे, मतलब वही हमको इतना ज़्यादा याद आ रहा है। मतलब एक ऐसा अपनापन महसूस होता था ना, फील होता था उस समय जब ऐसे करके जब लिपटते थे ना, एकदम लगता था कि कोई अपना है। लेकिन क्या बताएं आपसे, एक इतिहास रचा गया था बेतिया रेलवे स्टेशन पर। कहीं भी अगर कोई भी पत्रकार भाई जब खबर चलाते थे डिजिटल भिखारी राजू का, तो इतिहास बोलता था कि डिजिटल भिखारी कहाँ का है, तो डिजिटल भिखारी चंपारण यानी कि बेतिया रेलवे स्टेशन का है। और आज डिजिटल भिखारी राजू हम लोग का बीच नहीं है तो हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। हालांकि हर एक इंसान को एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ देना है, लेकिन डिजिटल भिखारी राजू के लिए हम लोग की एक मर्माहत की बात है। हालांकि इस खबर को मैं बता रहा हूँ अंदर से मैं भी टूट गया हूँ, क्योंकि डिजिटल भिखारी राजू एक होनहार इंसान था। मात्र एक मिनट के लिए हम लोग थोड़ा प्रार्थना करेंगे डिजिटल भिखारी राजू के लिए, ताकि डिजिटल भिखारी राजू का जो है आत्मा का शांति ऊपर वाले दे। और आप लोग भी अपना कमेंट जरूर कीजिएगा
डिजिटल भिखारी राजू के लिए जरूर कमेंट कर दीजिएगा और उनका आत्मा का शांति जरूर दीजिएगा। बाकी उनका जीवनी कुछ इसी तरीका से था, लेकिन डिजिटल भिखारी राजू अपने 45 वर्ष की ही उम्र में इस दुनिया को छोड़ चले।